और आज की सबसे बड़ी खबर, खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सब जगह बंद है। आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद करने की तैयारी, और साथ ही बिहार में RJD ने भी बंद को समर्थन दिया है। सड़क रेल ट्रांसपोर्ट सब करेंगे आंदोलनकारी, ये यहां पर उनके जरिए साफ किया गया है। टोल प्लाजा पर किसान चक्का जाम भी करेंगे। व्यापारियों से भी बाजार बंद रखने की अपील की गई है। व्यापारियों के संगठन कैट ने बंद को हालांकि अपना समर्थन नहीं दिया है, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। तो किसान ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। आज किसानों का भारत बंद है, आज सुबह 6 बजे से यह शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक भारत बंद का यह ऐलान किया गया है। मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। मनीष, गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, अगर किसान आपके साथ में मौजूद है जो प्रदर्शन लगातार महीनों से कर रहे हैं, आज किस तरह से भारत बंद उनके जरिए किया जा रहा है, क्या उनकी आगे की रणनीति है? शबीना, सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसानों ने भारत बंद शुरू कर दिया है। और देखिए, यहाँ पर जो रास्ता दिल्ली पुलिस ने NH-24 पर खुलवाया था दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ का, उस रास्ते को किसान ने 6 बजते ही बंद कर दिया गया है। किसानों ने खुद यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम आप गाड़ियां देख रही हैं जिनमें लोग बैठे हुए हैं, सवारियां फंसी हुई हैं, वो यहां पर अब फंस के रह गई हैं। उन्हें वापस जाने का भी कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमाम ट्रक वाले हैं और इस तरफ किसान हैं, जिन्होंने देखिए कि आप कैसे सड़क पर ही अपना हुक्का पानी लेकर बैठ गए हैं और कह यही रहे कि आज भारत बंद का आह्वान है। हालांकि लगातार बात यही कही गई थी कि किसी भी तरह से इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन आज किसानों ने खुद ही उस रास्ते को जो अब तक खोला गया था लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पुलिस के जरिए उसको बंद कर दिया है। तमाम किसान सुबह 6 बजे से ही यहां रोड पर पहुंच चुके हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। भाऊजी, क्या कर रहे हैं आज? भारत बंद है, पूरा भारत बंद है, आज भारत बंद रहेगा। ये काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक ये ऐसा मामला चलता रहेगा। लेकिन ये रास्ता खुला हुआ था, अचानक आप लोगों ने बंद कर दिया रास्ता? हाँ, रास्ता खुला हुआ था, अचानक आज बंद कर। काले कानून वापस लाए किसानों, बैठे नू 4 महीने हो गए ने, पौने 4 महीने हो गए किसान बैठे नू। ये मोदी जोगी दे कान बह रहे हैं, इन्हू नहीं पता लगता किसान। 300 आदमी की मौत हो चुकी है यहाँ पर, सड़क पर रो रहा सब किसान। बिल्कुल मनीष, आप इनसे बातचीत करिएगा, आगे भी आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे।